देखो, इकोलॉजी को हम चार लेवल पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मिलके बना देंगे क्या पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलके बना देंगे कम्युनिटीज, और कम्युनिटी मिलके बना देंगे बायोम, ठीक है। सिंपल सी बात है, पूरा एनसीईआरटी पे चलेंगे, ठीक है। फिर ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, ये वाला ग्राफ है, ठीक है। इसमें वैसे याद नहीं करना, ये टेक्निकल है, थोड़ा इसको लॉजिक से याद करके देखो। देखो, ये है अपना टेम्परेचर, ये है अपनी बारिश, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होगा, माइनस में होगा, मतलब बर्फ़ पड़ेगी, बर्फ़ पड़ेगी तो कौन सा, आर्कटिक अल्पाइन टुंड्रा, वो वाला रीजन होगा, कुछ भी याद नहीं किया। अब जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा वहां क्या होगा, डेजर्ट होगा, रेगिस्तान होगा, सिंपल सी बात है, कुछ भी याद नहीं किया। अब देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देखो ट्रॉपिकल में क्या होगा, टेम्परेचर भी अच्छा है और बारिश भी अच्छी है, तो ये हो जाएंगे ट्रॉपिकल। और ट्रॉपिकल के बिल्कुल कॉन्टैक्ट में याद रखना, टी के कॉन्टैक्ट में, टी यानी ट्रॉपिकल के कॉन्टैक्ट में क्या हो गए, टेम्परेट हो गए अपने, टेम्परेट, ठीक है। डेजर्ट हो गया, आर्कटिक वाला हो गया, ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना, इसको कैसे याद रखना, इसको याद रखना है आपको ग्रीन कोन, है ना, ग्रीन कोन ऐसे याद रखना, ग्रीन कोन, ये हो जाएगा ग्रीन से ग्रासलैंड और कोन से कोनीफेरस, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट है मेजर एबायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं, चार आपको याद रखने हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सोयल, ठीक है। अब इनके बारे में क्या क्या दिया हुआ है वो हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में क्या क्या दिया हुआ है, अपने को क्या क्या याद रखना है। देखो सबसे पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट फैक्टर, यहां पर 20 स्टार, 30 स्टार, 40 स्टार लगा लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर है, पहली बात। दूसरी बात कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है ना, समुद्र के नीचे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना कि टेम्परेचर इफेक्ट कैसे करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं हूं, आप हो, हमको कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, क्योंकि अपने अंदर क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए टेम्परेचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो यूरी थर्मल, स्टीनोथर्मल, देखो सिंपल सी बात है, जहां भी यूरी वर्ड आ जाए मतलब वाइड रेंज, और स्टीनो वर्ड आ जाए मतलब नैरो रेंज, थर्मल मतलब टेम्परेचर, थर्मल मतलब टेम्परेचर, यूरी थर्मल मतलब ऐसे एनिमल्स जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सह सकते हैं, स्टीनोथर्मल जो वाइड रेंज को नहीं सह पाते, सिर्फ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर के बाद हम बात करने वाले हैं वाटर की, ठीक है। वाटर में सबसे पहला पॉइंट यही है कि देखो हमें नॉर्मली सोचने में क्या लगता है कि जो एनिमल समुद्र में रहते हैं, पानी में रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, कि उनको पानी की दिक्कत नहीं होती होगी, बट ऐसा सच नहीं है, उनको भी पानी की दिक्कत होती है। क्यों होती है, क्योंकि पानी खाली पानी का होना जरूरी नहीं है, पानी की कॉम्पोजिशन, पानी की पीएच, की उसमें कितना सॉल्ट है, कितने आयंस है, वो भी मैटर करता है। तो एक्वाटिक एनिमल भी पानी की प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, मान लो ज्यादा सलाइन, ज्यादा मरीन वाटर हो गया, उसमें दिक्कत हो सकती है, तो कुल मिला के बात ही है ना। अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन की ही बात की गई है, ये आपको डाटा याद रखना है कि इनलैंड वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन लेस देन 5 PPT मतलब पार्ट्स पर 1000, और सी में 30 to 35, हाइपर सलाइन लगी उनमें कितनी, मोर देन 100 PPT, ठीक है। अब यहां से फिर से वो यूरी हलाइन और स्टीनो हलाइन की बात की गई है, यूरी मतलब हमने बात की थी वाइड रेंज, स्टीनो मतलब नैरो रेंज, यूरी हलाइन, हलाइन वर्ड यूज होता है सॉल्ट कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। यूरी हलाइन मतलब ऐसे एनिमल जो वाइड रेंज ऑफ सालिनिटी को टॉलरेट कर पाते हैं, स्टीनो मतलब जो सिर्फ नैरो रेंज ऑफ सालिनिटी को होल्ड कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सोयल की, देखो लाइट के बारे में इतना कुछ नहीं दिया हुआ, लाइट के बारे में वही है, लाइट आती है कहां से, सनलाइट आती है, फोटोसिंथेसिस होती है, ये सबको पता है। सोयल के बारे में बात की, देखो सोयल की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है, सोयल कॉम्पोजिशन, सोयल का ग्रेन साइज कैसा है, सोयल की एग्रीगेशन कैसी है ना, और यही सोयल की जो कैरेक्टरिस्टिक है ये डिटरमाइन करेंगी एक तरीके से सोयल की क्वालिटी। सोयल की क्वालिटी मतलब जैसे उसकी परलोकेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इनको वो डिसाइड करेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक एक्वाटिक एनवायरमेंट की बात की गई है कि सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करेगी किस टाइप के वहां बेंथिक एनिमल होंगे। बेंथिक एनिमल वही होते हैं जो नीचे वहां जमीन में नीचे पानी के नीचे डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अब देखो एबायोटिक फैक्टर हमने कर लिया, अब रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, रिस्पॉन्स है इनको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इनमें, ठीक है। देखो यहां पे बात की गई है किसकी, रेगुलेट, कंफर्म, माइग्रेट, सस्पेंड। अब देखो सिंपल सी बात है, जो रेगुलेट कर सकते हैं, देखो बाहर मान लो एक्सट्रीम कंडीशन आई, ठंड हुई या गर्मी हुई, तो जो रेगुलेट कर सकते हैं वो खुद को रेगुलेट कर लेंगे, है ना, और जो कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है कि उनका इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा, तो उनको इधर उधर भागना पड़ेगा, ठीक है। और एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि अगर अगर एक्सट्रीम कंडीशन ज्यादा टाइम तक रहती है तो क्या होगी, माइग्रेट या सस्पेंड, ठीक है। रेगुलेट वाले रेगुलेट, कंफर्म वाले कंफर्म, और एक्सट्रीम कंडीशन अगर रहती है ज्यादा टाइम तक तो माइग्रेशन होगी या सस्पेंशन होगी, ठीक है। अब ये एक ग्राफ दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है, वैसे याद इसमें कुछ नहीं रखना। देखो रेगुलेटर्स का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, इंटरनल लेवल उनका बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, एक्सटर्नल में चाहे कुछ भी होता रहे, जैसे हम हैं, हम रेगुलेटर हैं ना, अब चाहे बाहर ठंड हो चाहे गर्मी हो, हमारा बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहेगा। अब चाहे
चाहे उसके लिए हम कुछ भी करें, है ना। और कन्फर्म क्या है, जैसे बाहर का चेंज होगा वैसे उनका अंदर का भी चेंज हो जाएगा। और पार्शियल जहाँ वर्ड आ गया तो सिंपल सी बात है, आधे कन्फर्म जैसे होंगे, आधे रेगुलेटर जैसे, है ना। ग्राफ पूरा याद हो गया, आधे पार्शियल है मतलब आधे इस जैसे और आधे इस जैसे, ग्राफ अपने को याद हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेगुलेट की, है ना। रेगुलेटर देखो जो हम होते हैं ना, कौन कौन होते हैं पहले ये बात करते हैं, रेगुलेटर्स होते कौन कौन है। बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, हम भी रेगुलेटर्स हैं। और क्या है, थोड़े से लोअर वर्टिब्रेट और थोड़े से इनवर्टिब्रेट, ये क्या होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं। रेगुलेट मतलब ये खुद के इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर के हिसाब से रेगुलेट कर लेते हैं, ना। फॉर एग्जांपल बाहर ठंड हो जाती है, फॉर एग्जांपल बाहर ठंड होगी तो हम क्या करने लगेंगे, हम शिवरिंग करने लगेंगे, ठंड में कांपने लगेंगे। क्यों, वो एक तरीके की एक्सरसाइज है हीट जनरेट करने की। और गर्मी हो जाती है तो हमें पसीना आने लगेगा, वो कूलिंग करवाएगी। तो इस तरीके से ना एबल टू मेंटेन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, है ना, ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। और कैसे करते हैं, फिजियोलॉजिकल मीन में, हम फिजियोलॉजिकल मीन कैसे हो गया, जैसे स्वेटिंग, शिवरिंग, ये सारे फिजियोलॉजिकल मीन है, और समटाइम बिहेवियर मीन से, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें हम कन्फर्म की, कन्फर्म कौन से होंगे, मोस्टली 99% ऑफ एनिमल्स जो होते हैं वो कन्फर्म होते हैं, सारे प्लांट होते हैं ना, कि जैसे बाहर ठंड हुई तो इनके अंदर भी ठंड होने लगेगी, बाहर गर्मी हुई तो इनके अंदर भी गर्मी होने लगेगी, है ना। बॉडी टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज विद एनवायरमेंट, एनवायरमेंट जैसा होगा ये अंदर से भी वैसे ही होने लगेंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, मतलब अगर इनको भी रेगुलेटर बनना होता था क्यों नहीं बन पाए, ना। हम ये अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये एनिमल्स कन्फर्मर क्यों हैं, ये रेगुलेटर क्यों नहीं बने, क्योंकि देखो सबके घर में तो एसी नहीं है, सबके घर में एसी नहीं है, जिसके पास पैसा है उसके पास एसी है, तो एनिमल्स का भी कुछ ऐसा ही है, है ना। जो एनर्जी खर्च कर पाए रेगुलेटर बनने की वो रेगुलेटर बन गए, और ये जिनके पास पैसा नहीं है वो एसी नहीं लगवा पाए, वो गर्मी में मर रहे हैं, है ना। तो कुछ ऐसा ही है, ये थर्मो रेगुलेशन जो होती है एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव होती है, महंगी प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल साइज के एनिमल्स की बात की गई है कि उनका एरिया बाई वॉल्यूम रेशियो जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसके रिजल्ट से क्या होगा, उनकी जो बॉडी होती है ना वो बहुत जल्दी हीट लॉस कर देती है। इसीलिए छोटे एनिमल्स आप देखोगे ठंडे इलाकों में नहीं पाए जाते, क्योंकि उनकी बॉडी है जो बहुत जल्दी हीट लॉस कर देगी, तो उनके अंदर पूरी ठंड हो जाएगी और खत्म हो जाएगा सारा मामला, ठीक है। इसलिए ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, माइग्रेशन की। माइग्रेशन में सिर्फ एक ही चीज है याद रखने की, कि जो साइबेरिया से बर्ड्स माइग्रेट करते हैं कहां पे, कियोलाडो नेशनल पार्क जो भरतपुर में है राजस्थान में। बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है, 25 स्टार इस पे लगा लेना। नेक्स्ट माइग्रेशन के बाद बात करेंगे हम किसकी, सस्पेंशन की। सस्पेंशन में याद रखना है तीन चीजें आपको, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डाइपोज। हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डाइपोज। हाइबरनेशन क्या होती है, विंटर स्लीप, और एग्जांपल क्या है इसका, बियर्स, एनसीईआरटी का है पूरा। एस्टिवेशन क्या होती है, समर स्लीप। एग्जांपल क्या है, सम स्नेल्स एंड फिश। डाइपोज क्या होती है, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। एग्जांपल क्या है, जू प्लांकटन। अडेप्टेशंस में ये याद कर लो, आपका काम खत्म है, ठीक है। देखो सबसे पहले डेजर्ट प्लांट वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या क्या काम करते हैं, थिक क्यूटिकल और लीफ बना लेते हैं, है ना, डीप स्टोमेटा, और क्या है, लीव्स को क्या है, स्पाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तीन आपको याद करने हैं, ये सब किसके लिए हैं, वाटर कंजर्वेशन के लिए हैं। नेक्स्ट है कोल्डर क्लाइमेट में जो ठंडे इलाके के मैमल्स होते हैं उनके जो ईयर एंड लिम्स होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, किस लिए, हीट लॉस को बचाने के लिए, और इसको क्या बोलते हैं, एलेंस रूल बोलते हैं। नेक्स्ट है जो एक्वाटिक सील होती है, एक्वाटिक सील एक एक्वाटिक मैमल है ना, उसमें क्या होता है, एक फैट की थिक लेयर होती है जिसको ब्लबर बोलते हैं, उसका काम क्या होता है, वो हीट लॉस को रिड्यूस करेगी, है ना, उसको ठंडे पानी में रहने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड सिकनेस जब होती है, उस देखो आप जब ऊंचे इलाके में जाओगे, बहुत लेह लद्दाख में जाओगे, तो क्या होगा, आपके ऑक्सीजन की आप में कमी होने लगेगी, है ना। तो इससे डील करने के लिए क्या होगा, हमारी बॉडी में आरबीसी प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए, बढ़ने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट है बिहेवियरल मीन का एग्जांपल दिया हुआ है, डेजर्ट लिजर्ड। देखो डेजर्ट लिजर्ड के अंदर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेबिलिटी क्या है, वो अब्सेंट होती है, इसीलिए वो बिहेवियर चेंज करने का इस्तेमाल करती है। बिहेवियर कैसे चेंज करेगी, जब उसको ठंड लग रही है तो वो धूप में खड़ी हो जाएगी, अब धूप को अब्सॉर्ब करेगी, हीट को अब्सॉर्ब करेगी, फिर हीट जब मैक्सिमम हो जाएगी उसकी बॉडी में तब वो अपने जो इलाका है उसका ठंडा इलाका है वहां चली जाएगी, फिर उसको ठंड लगेगी, फिर वो धूप में आ जाएगी, ठीक है। आर्किबैक्टीरिया सबको पता है, आर्किबैक्टीरिया हार्श हैबिट डेट में रहते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में, इनमें आर्किबैक्टीरिया का तो सबको पता ही होता है। अब जो इस चैप्टर का बाकी का पोर्शन बचता है उसके लिए मैं एक वीडियो ऐड कर रहा हूं, क्योंकि वो ठीक ठाक पहले से बनी हुई है, तो वो मैं ऐड कर रहा हूं, अभी उसका प्रसारण होने जा रहा है। पॉपुलेशन, ये एज पिरामिड दिए हैं, पॉपुलेशन के इनको कैसे याद रखना है। देखो
ये देखो सबसे बड़ा पत्थर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ये एक ट्राइंगल सा बन रहा है। तो ये तो एक्सपेंडिंग और स्टेबल है। देखो स्टेबल नाम से ही पता लग रहा है कि इसका बेस बहुत स्टेबल है, मतलब बेस में दो पत्थर बिल्कुल सेम साइज के हैं, है ना, बेस बहुत स्टेबल है। तो ऐसे पहचान में आ जाएगी स्टेबल। और डेक्लाइनिंग तो ऐसे शलगम के जैसी है, ऊपर से पतली नीचे से पतली बीच में मोटी, है ना, ये है अपनी डेक्लाइनिंग। अब देखो ये होता है, ये देखो बीच में है ये पॉपुलेशन डेंसिटी, ये है एन है पॉपुलेशन डेंसिटी, एक तरह से पॉपुलेशन समझो। अब देखो नेटेलिटी होता है जन्म लेना, बर्थ, अब बर्थ हुआ तो ये पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, है ना, एंट्री मारेगा। और मोर्टेलिटी मतलब कोई मर गया, मर गया तो वो पॉपुलेशन से आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। और इधर देखो एमिग्रेशन मतलब कोई विदेश से हमारे देश में आया तो उसने पॉपुलेशन को बढ़ाया, एंट्री मारी। और एमिग्रेशन क्या होता है, मतलब अपने देश से कोई बाहर देश चला गया तो वो मतलब पॉपुलेशन से निकल गया, ठीक है। अब देखो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ कर्व होती है वो होती है दो टाइप की, एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक। अब नाम से ही पता लग रहा है लॉजिक, लॉजिक मतलब ये लॉजिकल है। लॉजिकल क्यों है कि इसमें लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, है ना, और अनलिमिटेड रिसोर्स। अब आपके पास आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, अनलिमिटेड तो है नहीं, लिमिटेड है, तो ये लॉजिस्टिक है, ये मतलब एक्सपोनेंशियल है। अब देखो पॉपुलेशन इंटरेक्शन को समझते हैं। म्यूचुअलिज्म नाम से ही पता लग रहा है, म्यूचुअल मतलब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों का फायदा। कॉम्पिटिशन, दो लोग आपस में सिर टकरा के लड़ रहे हैं तो दोनों का नुकसान होगा, ठीक है। प्रीडेशन, इसको ऐसे समझो एक शेर ने एक हिरण को खा लिया तो शेर का हुआ फायदा और हिरण का हुआ नुकसान। और पैरासिटिज्म का एग्जांपल है लड़कियों के लिए, हाँ लड़के इस पे ध्यान मत देना, देखो लड़कियों के सिर में जूं चल रही है तो जूं का हो रहा है फायदा, लड़कियों का हो रहा है नुकसान। और कमेंसलिज्म का एग्जांपल है लड़कों के लिए, लड़कियां इस पे ध्यान ना दे, देखो कमेंट से, इससे कमेंट याद रखना कि कमिटमेंट है ना, कमेंसलिज्म से याद आएगा कमिटमेंट। लड़के जो एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो चाहे उनका कोई भी फायदा ना हो वो दूसरों का फायदा जरूर करते हैं, है ना, कमिटमेंट एक बार लड़कों ने कर दी तो चाहे उनका जीरो फायदा हो पर वो दूसरों का फायदा जरूर करेंगे। अब अमेंसलिज्म का फिर से लड़कियों से याद रखना है कि चाहे खुद को कुछ ना मिले पर दूसरे का नुकसान जरूर होना चाहिए, है ना। अब लड़कियां कमेंट्स में बगावत नहीं करेंगी, है ना। और देखो अब एक एक करके इनका जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो कर लेते हैं। देखो प्रीडेशन के कौन से एग्जांपल दिए हुए, देखो प्रिकली पियर कैक्टस जो ऑस्ट्रेलिया में है उसको कंट्रोल किया गया किसके द्वारा, कैक्टस फीडिंग मौत के द्वारा, ठीक है। अब एक ये प्रीडेशन की जो अच्छी बात बताई हुई है इसमें कि स्टारफिश है जो पिजास्टर स्टारफिश है अमेरिका में, अगर उसको हम उस लेक या पॉन्ड से निकाल देते हैं तो 10 से ज्यादा इनवर्टिब्रेट की स्पीशी भी इसके साथ ही गायब हो जाती है। मतलब इसमें कुल मिला के दोनों में प्रीडेशन का फायदा बताया है, ठीक है। अब देखो कमेंसलिज्म के एग्जांपल एनसीईआरटी के हैं, ऑर्किड ऑन मैंगो, बार्नेकल ऑन वेल, कैटल एग्रेट कैटल एंड सी एनीमोनिया एंड क्लाउन फिश, ठीक है। और कंपटीशन के कौन से एग्जांपल हैं, एबिंगडन टोर्टोइज ये एक्सटिंक्ट हो गए किसकी वजह से, गोट की वजह से। और सेकंड एग्जांपल है सुपीरियर बार्नेकल जो बेलेनस है उसने एक्सक्लूड कर दिया, मतलब निकाल दिया किसको, इनफीरियर बार्नेकल कैथेमेलस को, ठीक है। क्यों, ये सुपीरियर है ये इनफीरियर है तो इसको भगा देगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल हैं लाइकन जो फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी के बीच होता है, माइकोराइजा जो फंजाई और प्लांट के बीच होता है, और प्लांट एंड एनिमल एंड फिग एंड वास्प, ये बहुत तगड़ा एग्जांपल है ना। इसमें क्या होता है, देखो सिंपल है, प्लांट एनिमल का है, फिग एंड वास्प का, ऐसे समझो प्लांट जो है वो क्या करेगा, उस जो भी इंसेक्ट है या एनिमल है जो भी है उसको क्या करेगा, खाना पीना दे देगा, नेक्टार पीने के लिए दे देगा, है ना, अंडे के लिए जगह दे देगा, और बदले में एनिमल क्या करेगा, उसकी पोलिनेशन कर देगा, कुछ इस तरीके से, है ना। और पैरासिटिज्म के ये हैं, देखो ह्यूमन में कौन से हैं, लिवर फ्लू का मलेरिया, मरीन फिश पे एक्टोपैरासाइट होता है कोपपोड्स, और कैस्केटा अमरबेल जो होती है वो दूसरे प्लांट्स पे पैरासिटिक होती है। अब देखो एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नाम से ही पता लग रहा है, मतलब इसमें क्या है, हमने रिसोर्सेज को अनलिमिटेड कर दिया कि जिसको जितना मन कर रहा है उतना खाओ पियो रिप्रोडक्शन करो, ना तो क्या होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी। बट रियल में ऐसा होती नहीं है, नाम से ही पता लग रहा है लॉजिस्टिक, मतलब लॉजिक है इसमें, कुछ लॉजिक है कि जो रिसोर्सेज है नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड नहीं होते, है ना, तो ये इस तरीके से हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल नहीं जाएगी, कुछ इस तरीके से सिग्मोइड, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक जरूरी बात दूं, ये आपको दो फॉर्मूले हर हाल में याद रहने चाहिए, है ना, इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर ये याद है तो। ये आपको याद रहने ही चाहिए, जैसे दिमाग में न्यूरॉन फिट है वैसे इनको फिट कर लो, इन तीनों चीजों को, इनसे क्वेश्चन आता है।